नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का हम लोगों का विषय है पार्टनरशिप व्यापार में 100% सफलता का फॉर्मूला। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सफलता का फॉर्मूला देने वाला हूँ जिसमें व्यापार में आप किसी से भी व्यापार करें, आप छोटा व्यापार करें, बड़ा व्यापार करें, आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हों, आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जिसके साथ भी पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, क्योंकि उसमें आपका भी धन लगा होता है, आपका पुरुषार्थ लगा होता है, और जिससे आप पार्टनरशिप करते हैं उसका भी पैसा लगा होता है, उसका भी पुरुषार्थ लगता है। पर अगर वो पार्टनरशिप किसी वजह से फेल हो जाए, वो वजह मैं बताता हूं क्यों फेल होती है, वो फेल हो जाए तो समय की बर्बादी, साथ साथ में दोनों के धन की बर्बादी और मन जो टूटता है वो अलग से। तो आज मैं आपको वो फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि 100% वो पार्टनरशिप सफलता की तरफ बढ़ेगी, धन आप भी कमाएंगे और आपका पार्टनर भी कमाएगा। यहां पर जो मैं बताने वाला हूं वो किससे पार्टनरशिप आप करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करता है कि हम किस व्यक्ति से पार्टनरशिप करें। हर व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं की जाती। कोई आपका रिश्तेदार हो, आपका साला हो, या आपका कोई मित्र हो, स्कूल फ्रेंड हो, हर व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं होती। बहुत बार सामने वाला पैसा लगाने के लिए तैयार हो फिर भी उसका भाग्य खराब होगा तो भी उसके साथ पार्टनरशिप नहीं की जा सकती। मैं बताता हूं क्या दोस्तों, जिंदगी इस शतरंज के बोर्ड की तरह है। मैं जिंदगी को इस तरीके से लेता हूं। होता क्या है कि जिस समय आपका जन्म हुआ ना, उस समय में जो आपके ग्रह स्नैपशॉट, मतलब जिस समय आपने मां के गर्भ से धरती पर जन्म लिया, उस समय जो ग्रहों की पोजीशन होगी, जिसको आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कहते हो ना, तो वो जो टाइम ऑफ बर्थ है दैट इज स्नैपशॉट ऑफ प्लैनेट्स इन गोचर, मतलब आसमान में जो ग्रहों की पोजीशन है उसके हिसाब से पूरा जीवन आपका तय हो जाता है। होता क्या है कि अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो वो अपना जब जब दशाओं में आएगा वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जब अगर शुक्र मजबूत होगा तो आप उसकी दशाओं में, अंतर दशाओं में बड़ा फल देंगे, बुध मजबूत होगा तो उसके फल अलग होंगे, राहु मजबूत होगा या राहु खराब होगा तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव फल मिलेंगे। वैसे ही भाग्य कारक ग्रह, लक्ष्मी कारक ग्रह, अनएक्सपेक्टेड गेन्स लॉर्ड, इन सब को देखा जाता है और दशाओं को देखा जाता है, तब पार्टनरशिप की जाती है। ये जो बोर्ड मैंने दिखाया इसका मतलब ये है कि जीवन में, क्योंकि बहुत छोटा सा जीवन मिला है, कुछ वर्षों के लिए हम लोग धरती पर आए हैं, और ये जो बीच का समय होता है ना 25 से लेकर के 50 का, ये प्रमुख एज होती है जिस समय में अगर आप एक बार फेल हुए ना तो मन तो टूटेगा टूटेगा, निराशा तो जो होगी होगी, उसके बाद दोबारा उठने के लिए, दोबारा पैसा लगाने के लिए ताकत नहीं बचती, मन नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तो जिस समय आप धरती पर पैदा हुए उस समय ग्रहों ने आपके लिए ये पूरी चीज लिख दी। अब कौन सा हो सकता है कि आपकी कुंडली बहुत बेहतर ना हो, पर कोई एक ग्रह तो अच्छा होगा, कोई एक गोटी तो अच्छी होगी जिसको चल करके आप ये गेम जीत सकते हैं। ये गेम और जिंदगी का गेम एक बराबर है, तो अगर इसमें जीतना है तो इसमें आपके पास खेलना आना चाहिए और साथ साथ में आपके पास अच्छी गोटियां होनी चाहिए, मानते हैं ना। वैसे ही जीवन में भी आपके प्लैनेट अच्छे होने चाहिए, राजयोग वाले प्लैनेट होने चाहिए, तभी आप बड़ी सफलता पाते हैं, तभी बड़ा पैसा पाते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एक बड़े ओहदे पर बैठते हैं। अब पार्टनरशिप की जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि जन्म के समय ही आपका ये पूरा भविष्य तय हो जाता है, आप जो जीवन जी रहे हैं वो सारी चीजें पहले से प्री रिकॉर्डेड हैं। उसको एक सफल एस्ट्रोलॉजर जो कि जीवन भर इस ज्योतिष में गहन अध्ययन करने की अनुभव रखता हो, हजारों कुंडलियों का अनुभव रखता हो क्लाइंट्स की, वो आपको एग्जैक्ट चीज बता सकता है कि आपके लिए किस साल किस महीने राइज बनता है, पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी मैं आगे आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं कि क्या फॉर्मूला है कि पार्टनरशिप किससे करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। भले ही सामने वाला ढेर सा पैसा लगा रहा हो, लेकिन अगर उसकी कुंडली में, जो आगे बताने वाला हूं वो फॉर्मूला पूरा सुनिएगा तो आपको क्लियर पता चले।
तो यहां पर यह चीज है कि हमारा जब हमारा पूरा बचपन से लेके मृत्यु तक सारी चीजें प्री रिकॉर्डेड है कुंडली के माध्यम से, तो उस चीज को पढ़ने के लिए एक अनुभवी ज्योतिष चाहिए जो आपको सारी चीजें बता सके कि ग्रहों ने आपके लिए क्या गेम लिख रखा है, आपकी कौन सी गोटी मजबूत है और कौन सी गोटी खराब है, ठीक है, कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह खराब है, और किस ग्रह के समय में किस अंतरदशा में आपको रिस्क लेना चाहिए, और किस हाउस का प्लेनेट पावरफुल है, मतलब स्पेकुलेटिव गेन्स का प्लेनेट पावरफुल है, बिजनेस करके उससे बड़ी आमदनी का योग बनता है आपकी कुंडली में वो गेन्स का हाउस पावरफुल है, या इनहेरिटेड वेल्थ का प्लेनेट मजबूत है, या फिर किसी और तरीके का पार्टनरशिप करके, मतलब आपकी कुंडली में भाग्य का प्लेनेट कमजोर भी हो लेकिन सामने वाले का प्लेनेट मजबूत हो तो उससे पार्टनरशिप करके आप अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। तो ये सारा गेम वैसे ही डिकोड होता है जैसे कि आपके प्लैनेट्स बैठे होते हैं उसके दशाओं के हिसाब से, जैसे इस गेम में आप जीतते हो गोटियों के आधार पे और टेक्निक्स के आधार पे, वैसे ही जीवन का गेम जीतने के लिए आप धरती पर आए हैं, हारने के लिए नहीं आए, वो मैं बताऊंगा कि कैसे गेम जीतना है। अब आपको फॉर्मूला देता हूं, बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मूले पे बात करते हैं। देखिए पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिससे आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं सबसे पहले वो देखिए उसकी दशाएं क्या चल रही हैं, उसकी कुंडली में व्यापार का योग कितना पावरफुल है, अर्निंग का योग कितना पावरफुल है, प्रोफेशनल अर्निंग का योग कितना पावरफुल है, और उसकी दशा कब आ रही है। पॉइंट समझ रहे हैं? मतलब आपकी दशा, आप कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो या कोई बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हो या कोई नया स्टार्टअप कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सफलता पाएंगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जांपल के तौर पे आपकी कुंडली में आपका भाग्य का प्लेनेट, आपके इनकम थ्रू प्रोफेशन का प्लेनेट है वो पावरफुल है और उसकी दशा समझ लीजिए आज 2024 चल रहा है फरवरी का, ठीक, और आपके भाग्य की दशा 2025 में शुरू होने वाली है, ठीक, और कुंडली में ग्रह नक्षत्र डिग्री गोल्डन पॉइंट्स ये सारी चीजें चेक करके D10 प्रोफेशनल चार्ट करा कामशा प्रोफेशनल चार्ट ये 5-6 पॉइंट्स जो हैं ये आपकी कुंडली के भी चेक होते हैं कि आप कहीं आपकी वजह से उनका पैसा बेकार ना हो जाए, ये भी जरूरी है कि आपकी वजह से उनका पैसा खराब हो जाए, मतलब दूसरा पार्टनर का लॉस ना होने लगे। तो ये आपकी कुंडली के सारे ग्रह चेक होंगे, उससे पता चलेगा कि आपकी लक की दशा, आपकी इनकम की दशा और आपके अनएक्सपेक्टेड गेन्स की दशा किस साल किस महीने शुरू हो रही है या अंतरदशा किस साल शुरू हो रही है और कितनी बड़ी लक्ष्मी का योग आपकी कुंडली में है, ठीक। वैसे ही आपका पार्टनर जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं व्यापार की, उसकी सारे वैसे ही प्लैनेट जैसे आपके चेक होंगे उनके भी चेक होंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि उसकी कुंडली में कौन सा राजयोग बनने वाला है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में ग्रह थोड़े कमजोर हों लेकिन जिस व्यक्ति से आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं उसकी लक्ष्मी की दशा चल रही हो या आने वाली हो 2-4 महीने में, तो ऐसे व्यक्ति को तो पकड़ लीजिए, भले ही वो आपको 30% की पार्टनरशिप दे दे, मतलब वो कहे कि भैया 30% आप रख, मतलब 30 आपको देगा 70 वो रखेगा और उसकी लक्ष्मी की दशा शुरू होने वाली है, तो ऐसे को पकड़ लीजिए, उस व्यक्ति के साथ साथ वो आपको ऊपर उठा के ले जाएगा, मतलब उसकी कुंडली में लक्ष्मी की दशा शुरू होने वाली है तो वो लक्ष्मी कमाएगा, ठीक है, और वो लक्ष्मी कमाएगा तो आपको भी उठा करके कम से कम आपके खराब ट्रांजिट की वजह से भी आपको खींच करके अपने उस पावरफुल लक्ष्मी दशा की वजह से आपसे आपके साथ पार्टनरशिप डीड बनेगी, वो आपको भी उठा करके पॉजिटिव ले जाएगा, आपको राइस दे देगा। तो ये फॉर्मूला है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, मैंने देखे एंटरप्राइज खुलते हैं, व्यापार खुलते हैं, आपस में पार्टनरशिप करते हैं, व्यापार धीमे 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 डाउनफॉल होता है। तो फॉर्मूला ये है कि जब भी किसी से पार्टनरशिप करें आप 1-2-4 लोगों को पहले सिलेक्ट करें, उसकी भी कुंडली दिखाइए और अपनी भी कुंडली दिखाइए, दोनों की ये देखिए कि दोनों में लक्ष्मी दशा किस साल शुरू हो रही है। और दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट सुनिए, व्यापार करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले तो उस व्यापार की नॉलेज ली आपने, ठीक, और अब देख लीजिए हो सकता है कि आज फरवरी 2024 चल रहा है, आपकी कुंडली में हो सकता है 2025 या 2026 में कोई बहुत सुंदर दशा आने वाली है लक्ष्मी की, ठीक है, या व्यापार में बड़ी वृद्धि की, नई अपॉर्चुनिटीज की और अनएक्सपेक्टेड गेन्स का प्लेनेट एक्टिवेट होने वाला हो सकता है आपकी कुंडली में
अनएक्सपेक्टेड गेन्स का प्लैनेट एक्टिव हो और उनकी कुंडली में लक्ष्मी का, तब ये पार्टनरशिप दोनों लाखों रुपया कमाएंगे, तब तो रिस्क लिया जा सकता है। क्योंकि पता है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वो दशा आपकी कुंडली और इनकी कुंडली में बड़ी है तो 100% श्योर है। मैं इसलिए लिखता हूं टेक माई प्रिडिक्शन इन रिकॉर्डिंग, जो बोलता हूं वो रिकॉर्डिंग करके रखिए कि जिस साल जिस महीने बोलूंगा पैसा आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करती हैं कि पार्टनरशिप करने से पहले किसी से भी पार्टनरशिप मत कर लीजिए। हो सकता है कि आप पैसा लगा रहे हैं, पुरुषार्थ लगा रहे हैं और इसका कोई नेगेटिव दशा आने वाली हो और ये आपको उठा करके आपका पैसा आपका पुरुषार्थ खराब कर दे। भाग्य आपका अच्छा है लेकिन इस पार्टनर का खराब होगा तो क्या करेंगे। तो ये उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो नया व्यापार नया सेटअप तैयार करने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुने कि व्यापार करने से पहले दोनों की कुंडली डिटेल में बनवाइए, चेक करवाइए कि किसमें पार्टनरशिप में किसकी लक्ष्मी दशा आने वाली है, बड़ी वेल्थ की दशा आने वाली है, उसके साथ हाथ जोड़िए और चढ़ जाइए तब, और जिस महीने व्यापार बोलूं उस महीने व्यापार शुरू करिए ताकि एक बार भी डाउनफॉल आया तो सारे सपने टूट जाते हैं। पैसा तो टूटता ही टूटता है, मन टूट जाता है। तो मन ज्योतिष, एक काबिल ज्योतिष होने का फायदा यह होता है कि एक ज्योतिष अपना भविष्य लिखता है, एक एक चीज उसको देख पढ़ सकता है। ये आपको मुझे दिखाना नहीं चाहिए, ये मेरी कुंडली है, एक एक दिन एक एक हफ्ता पता है मुझे कब क्या होना है, एक एक दिन, यस, ये सारी चीजें लिख रखी है, ठीक है। तो अगर कब क्या करना है, कब कैसे करना है, ये सारी चीजें डिकोड की जा सकती हैं और सारी प्रिडिक्शंस आप रिकॉर्डिंग में लीजिए। ये यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं, लाइव सामने बोल रहा हूं कि सारी प्रिडिक्शन आप रिकॉर्डिंग में लीजिए कि कितनी बड़ी लक्ष्मी किस साल किस महीने आएगी। अगर अपनी लिख सकता हूं तो यहां गोलमोल ज्योतिष करने नहीं बैठा हूं। तो प्रिडिक्शन करने के लिए क्वालिटी चाहिए और अनुभव चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें पता चलती हैं तब आप पार्टनरशिप करिए, तब आप आगे बढ़िए। फेल होने के लिए आप मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे, सक्सेस की गारंटी लेता हूं कि जो चीज बताऊंगा इससे पार्टनरशिप कर लीजिए तो उससे पार्टनरशिप कर लीजिए ताकि आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है, क्लियर है। एक लाइन और बोलना चाहूंगा, होता क्या है कुछ लोग जल्दबाजी में व्यापार शुरू करते हैं, अनुभव नहीं होता, तो अनुभव भी लेना बहुत जरूरी है किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए। उस पर रिसर्च कर लीजिए पूरी और उसके बाद कोई व्यापार शुरू करिए, वो छोटा बिजनेस हो कोई बड़ा बिजनेस हो, पर थोड़ा सा एक्सपर्टीज जरूरी है उसकी। और फिर तो प्लैनेट तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लैनेट इंपॉर्टेंट, कहीं आपके पार्टनर की नेगेटिव राहु की दशा या नीच शनि की दशा या मंगल की नीच की दशा शुरू होने वाली हो तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ पैसा लगाना भी चाहे तो मत उसका पैसा लगवाइए। आपकी कुंडली हो सकता है मजबूत हो, उसकी कुंडली खराब हो, उसके आपके साथ जुड़ने से उसका भाग्यहीन जिसको कहें उसका कंगाली का योग शुरू होने वाला हो और जुड़ते ही आपको भी कंगाल कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे भी आप व्यापार करें, जिससे भी आप पार्टनरशिप करें, दोनों के राजयोग चेक करवाएं और उसके बाद पार्टनरशिप करें ताकि 100% सफलता मिले। इसीलिए मैं कहता हूं इस गेम को खेलना आना चाहिए, और वैसे ही जिंदगी का गेम मुझे खेलना आता है, और मैं आपको सही सजेशन दे सकता हूं कि किस साल किस महीने आपने राइज करना है। ये जिंदगी छोटी सी है, 25 से 50 साल की उम्र है बिजनेस एस्टैब्लिश करने की, सक्सेस पाने की, आगे बढ़ने की। इस समय में फेल होना मैं चाहता ही नहीं कि कोई फेल हो, मतलब पूरा पुरुषार्थ पूरा पैसा लगा करके फेल हो तो फिर फायदा क्या है। तो ये गेम ये जीतना है तो लाइफ का गेम भी जीतने के लिए आप आए हैं। ना मैं हारता हूं ना मैं हारने देता हूं किसी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो व्यापार शुरू करने वाले हैं, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। फीस लेता हूँ, फ्री प्रिडिक्शंस नहीं करता, बुकिंग चलती है रेगुलर। तो आपका आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, मैं अपना शेड्यूल बता दूंगा किस समय आपकी बुकिंग अपॉइंटमेंट बुक होगी, उस हिसाब से आपकी डिटेल में कुंडली बनेगी। और इस वीडियो में एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, ऐसे डिटेल में कुंडली बनती है, इतने पेपर्स बनते हैं, ठीक है। ये सारे पेपर्स एक व्यक्ति के बनेंगे तब उसकी लाइफ में झांका जा सकता है, पूरा पास्ट क्या है आपका है,
प्रेजेंट आपका क्या चल रहा है वो मैं बता दूंगा आपको, फ्यूचर में कब क्या होना है मैं आपको बता दूंगा, 10 साल आगे तक कब लक्ष्मी आनी है, कब बड़ा पैसा आना है, डाउनफॉल आना है तो किस साल किस महीने आना है, या कैसा रहने वाला है आपका। पहले तो पास्ट बताता हूँ, फिर प्रेजेंट बताता हूँ, फिर फ्यूचर प्रिडिक्शंस करता हूँ, और सारी प्रिडिक्शंस आप रिकॉर्डिंग में लीजिए, ठीक है। तो क्वालिटी अगर चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।